आष्टा तहसील परिसर में शनिवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्र हित में धरना प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालयों को द्वारा बढ़ाए गए सभी प्रकार के शुल्कों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्र हित में जमकर नारेबाजी की गई। मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर के लिए तहसीलदार को सौंपा गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान देवास जिले के नेमावर में हुई घटना से जुड़े आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की गई। आष्टा से आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार अंकुर नितिन बरे की रिपोर्ट। छात्रवती एवं आवास योजना के जो पोर्टल बंद कर चुके थे उनके विरोध में उन्हें खुलवाने के लिए ये आज हमने आंदोलन किया। इसके बाद में जो नेमावर में 5 आदिवासी परिवार के 5 सदस्य की जो मृत्यु एक हत्या की गई उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया। छात्रवृत्ति वगैरह नहीं डल रहे और ये एग्जाम फीस भी ज्यादा ले रहे हैं। अभी कोरोना में जिसके लिए मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज में मैं एमए सेकंड हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमसे परीक्षा फीस ली गई और मैसेज करके कॉलेज के द्वारा यह बताया गया कि आपको पावती जिसके बाद में पेपर हो गया और कॉपी खुद खरीदनी रहती है, लेकिन हमने 1600 रुपये परीक्षा फीस दी तो हम पेपर कॉपी वगैरह हम क्यों खरीदें। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया, या तो हमारी फीस वापस करो या फिर जो छात्रों छात्र छात्राओं के सम्मान में जो हमने आज ज्ञापन दिया है उसमें छात्र ने लिखा हुआ है कि हमारी जैसे छात्रवृत्ति वो दी जाए, आवास योजना हमें मिल जाए। उसके बाद तो जो